गोंडा कांग्रेस संगठन सृजन अभियान में शिरकत करने पहुंचे पूर्व मंत्री निसामुद्दीन सिद्दीकी ने भाजपा सरकार पर जमकर साधा निशाना। कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से किया भव्य स्वागत। दर्जनों लोगों ने कांग्रेस के लिए सदस्यता। आपको बता दें, गोंडा आज दिनांक 7/1/2021 को पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस भवन पहुंचकर कांग्रेस पार्टी के सार्वजन संगठन अभियान में शिरकत कर भारतीय जनता पार्टी पर जमकर साधा निशाना और वार्ड स्तर कमेटी की समीक्षा की। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष पंकज चौधरी, नगर अध्यक्ष रफी रैन, मीडिया प्रभारी विकास मनोहर श्रीवास्तव व कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, उम्मीद अली। आज मैं बलरामपुर होकर के आ रहा हूँ, गोंडा पहुँचा हूँ। इसके बाद अगला कार्यक्रम जो है 16 तारीख को बलरामपुर और श्रावस्ती है, और 17 तारीख को देखना पड़े, मतलब 16-17 फिर इसी कमिश्नरी में है, फिर 23-24 फिर इसी कमिश्नरी में है, यानी 25 तक अभियान चला करके हमको अपना संगठन का काम पूरा करना है। तो आज मैं न्याय पंचायत स्तर का गठन के लिए, और आज जो शहर में कार्यक्रम लगा है वो वार्ड कमेटी के गठन के लिए ये कार्यक्रम लगाया गया, इस उद्देश्य से मैं यहाँ आया हूँ। देश में टीकाकरण का काम शुरू हो रहा है और सुप्रीम का जस्टिफिकेशन तो वही दे पाएंगे ना, क्यों नुकसान होगा, कैसे नुकसान होगा, ये वही बता पाएंगे। कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है आप मुझसे पूछो, मैं उसका जवाब दूंगा। देखिए, वैक्सीन अगर सही गुणवत्ता की है तो उसको हम तो चाहते हैं और पहले आना चाहिए था, और इस संबंध में हमारे नेता राहुल जी ने पहले सावधान कर दिया था। जब मोदी जी नमस्ते ट्रंप कर रहे थे, उससे पहले जो है राहुल जी ने सावधान कर दिया था कि कोरोना वुहान में, चीन के वुहान शहर में पैर पसार रहा है नवंबर 2019 से, तो दिसंबर में ही आगाह किया था, फिर जनवरी में आगाह किया कि आप इसकी व्यवस्था कर लें, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी नमस्ते ट्रंप करके ट्रंप जी को बुलाते रहे, मध्य प्रदेश की सरकार बनाने गिराने में लगे रहे, दिल्ली प्रदेश की सरकार चुनाव कराने में लगे रहे, लॉकडाउन लगाया गया, मजदूरों को परेशानी हुई, सभी को परेशानी हुई। ये कोई भी चीज़ करना ठीक नहीं है, लॉकडाउन ज़रूरी है लेकिन तैयारी के साथ। कोई भी इनके पास कौन सा सूत्र है जिस सूत्र से इस तरीके की बात कर रहे हैं? क्या राकेश टिकैत जो किसान नेता हैं और इसी तरीके से किसान यूनियन के लगभग 32 संगठन हैं, इन 32 संगठनों को कांग्रेस पार्टी ने बनाया है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा चलाया है। अरे मैं खुद किसान हूँ, मैंने खुद हर खेत में जाकर के बैलों से हल जोला है, जोता है, मैंने धान की रोपाई की है, तो क्या करूँ, ये मेरा दोष है कोई? और मुझे गर्व है कि मैं किसान हूँ, हमें इतराज़ है, किसानों के इतराज़ है, कांग्रेस में होने के नाते भी और एक किसान होने के नाते भी। एक चीज़ मुझे ये बताइए, मैं किसान हूँ, आपने 3 कानून बना दिए, आप कह रहे हो हमारे पक्ष में है, देश का किसान ये कह रहा है कि हमारे पक्ष में नहीं है, आप कह रहे हो हमारे पक्ष में हो है, हम कह रहे हैं हमारे पक्ष में नहीं है। अरे भाई, हमारे पक्ष में सही, जब हमें मंजूर नहीं है तो आप जबरदस्ती क्यों थोप रहे हो? तो हम तो यही कहेंगे कि इसमें भी अंबानी अडानी की कोई साजिश है। तो क्या आप कांग्रेस करना, भाजपा के नेताओं ने यह कहा था कि हम 15 लाख रुपए हर खाते में भेजेंगे, पहुंचा? भाजपा के नेताओं ने नोटबंदी बिना तैयारी कर दिया, कौन जिम्मेदार है? तो भाजपाओं के नेता क्या है मेरे भाई, जो आज कंपटीशन हो जाए कि सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला कौन है, तो पहले नंबर पर हिंदुस्तान में एक आदमी आएगा, नरेंद्र मोदी जी। किसानों की हत्यारी है सरकार, अभी तक लगभग 100 किसान मर चुके, अभी इसमें 1.5 महीने में, पहले तो हजारों लाखों मर गए, इस 1.5 महीने में इस आंदोलन के शुरू होने के बाद कम से कम 100 किसान मर गए, किसी ने फांसी लगा ली, कोई ठंड से मर गया, रोज मर रहे हैं। और सर, ये गूंगी बहरी सरकार, ये अंधी सरकार किस मय में है भाई, सिर्फ मय है। इन्होंने कहा थाली बजाओ तो थाली बज गई, इन्होंने कहा लाइट बंद करके टार्च जलाओ तो टार्च जल गई, इन्होंने अन्नदाता को ये समझा कि जो हम कहेंगे वो अन्नदाता करेगा। अन्नदाता इनकी मनमानी और ऐसी मनमानी
जो अन्नदाता को मिटाने वाली है, अन्नदाता नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। ये कितने भी आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाएं, ये सारे आरोप झूठे। अच्छा ये बताइए।